पब्लिक टीवी आपकी आवाज। इस बार क्या देखने को मिल रहा है? विनोद अग्रवाल जी के परिवार से ही महापौर बनते रहे हैं, लड़ते रहे हैं। पिछड़ों के साथ अनदेखी हुई? पिछड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भूपेन्द्र चौधरी यहाँ के हैं, होम डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से भी कोई बदलाव नहीं किया गया। टिकट क्यों काटा जाए? पार्टी के प्रति कोई ऐसा नहीं था कि गतिविधि ठीक नहीं हो, जनता के बीच में लगातार रहे हैं, वो महापौर रहे हैं, उनको ज्यादा तजुर्बा था, इसलिए पार्टी ने उनके अनुभव को देखते ही उनको टिकट दिया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह की तैयारियां हैं उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य गिरीश वर्मा जी। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार जो पिछड़ों की जो राजनीति थी और जो लगातार उस पर जो सवाल खड़े हो रहे थे उस पर चर्चा करने के लिए निकाय चुनाव में कितनी बागडोर उनके हाथ में आई है, उसी पर बात करेंगे। वर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले जानना चाहेंगे, एक सवाल खड़ा हुआ था कि पिछड़ों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया, और इस बार क्या देखने को मिल रहा? ऐसा नहीं है, पिछड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़े सर्वाधिक सुरक्षित हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर चार निकाय की सीटें हैं, उसमें सहारनपुर और मेरठ पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित है। दोनों जगह पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार चुनाव महापौर का लड़ रहे हैं। चूँकि जब जनरल सीट हुई है तो जनरल सीट पर जनरल ही लड़ना चाहिए। मुझसे भी इस विषय में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की वार्ता हुई थी तो मैंने कहा था जनरल में यदि आप बीसी लड़ाएंगे तो जनरल के साथ यहाँ पर अन्याय होगा, क्योंकि पिछड़ा तो जनरल में भी लड़ सकता है और पिछड़े में भी लड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर पिछड़े ने किसी ने भी आवेदन, मैं समझता हूँ 35 आवेदन आए थे, 2-3 लोगों ने सांकेतिक रूप से आवेदन किया था। मैं स्वयं पिछड़े वर्ग में होने के नाते मेरी इच्छा थी कि मैं महापौर का चुनाव लड़ूँ यदि पिछड़े वर्ग में आती सीट, तो जब सीट जनरल हो गई तो मैंने अपने यहाँ आवेदन भी नहीं किया। और उपयुक्त समय पर पार्टी ने जो फैसला लिया है, पूरे महानगर में सब लोग में उत्साह है और हम यह चुनाव जीतने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके एक बहुत तेज़ी के साथ में एक सवाल आयोग तक बनाना पड़ गया था और लगातार उस पर विचार विमर्श हो रहा था, लगता नहीं कि कहीं ना कहीं पिछड़ों के साथ अनदेखी हुई? पिछड़ों के साथ कोई अनदेखी नहीं हुई, जो पुराने आरक्षण थे उन्हें शून्य कर दिया गया। तो जहाँ पर एससी की आबादी ज़्यादा थी वहाँ एससी होने थे, इसके बाद में कई जगह परिवर्तन आए हैं, लेकिन मुरादाबाद में परिवर्तन नहीं आ पाया क्योंकि मुरादाबाद की स्थिति नहीं थी पिछड़े वर्ग वाली। लेकिन अब जो नए ढंग से आरक्षण शुरू हुआ है तो संभावना ये है कि अगले चुनाव में मुरादाबाद की सीट संभवतः पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित होगी। अच्छा, अब मुरादाबाद में एक बार फिर से विनोद अग्रवाल पर भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या उम्मीद है, किस तरह की रणनीति है? विनोद अग्रवाल जी के परिवार से ही यहाँ लगभग महापौर बनते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, और एक अच्छा नाम है, सब लोगों की पसंद है, और कोई नया नाम लाके नई कंट्रोवर्सी पैदा यहाँ पर होती उससे बचने के लिए, और चूँकि लंबा समय अनुभव इनके पास है इसलिए विनोद जी को यहाँ टिकट दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह जी के मुरादाबाद में निवास है, ये उनकी होम डिस्ट्रिक्ट है। ये सीट हालात में हमें जीतनी थी, कोई नया प्रयोग करने का मन मुझे समझता हूँ पार्टी ने इसलिए भी नहीं किया, और जनता की आवाज़ थी कि विनोद अग्रवाल जी को ही महापौर लड़ाया जाए, उनकी अपनी तैयारी थी, उनके पास सब समीकरण थे, इसीलिए पार्टी ने विनोद जी को उम्मीदवार बनाया है। और किसी में किसी प्रकार का इस बात से कहीं विरोध नहीं है, जो भी टिकट मांगने वाले जनरल लोग थे वो सब लोग उनके साथ खड़े हुए। जिस तरीके से, क्योंकि क्या सिर्फ ये समीकरण भी एक अहम बनता है, भूपेन्द्र चौधरी यहाँ के हैं, होम डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से भी कोई बदलाव नहीं किया गया? ज़्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता यहाँ पर थी भी नहीं, और टिकट क्यों काटा जाए? उनकी पार्टी के प्रति कोई ऐसा नहीं था कि गतिविधि ठीक नहीं हो या चुनाव नहीं लड़ाए हों, जनता के बीच में लगातार रहे हैं वो, और महापौर रहे हैं, उनको ज़्यादा तजुर्बा था, इसलिए पार्टी ने उनके अनुभव को देखते ही उनको टिकट दिया है। और मैं समझता हूँ बिल्कुल सही निर्णय है, सब कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पूरे चुनाव की कमान नीतीश जी ने संभाल रखी है, मुझे नहीं लगता कहीं कोई परेशानी आएगी, और इस बार मैं दावा कह सकता हूँ कि रिकॉर्ड मतों से सीट जीतेगी। अब भारतीय जनता पार्टी के 22 जो पार्षद थे वो बागी हो गए हैं, और कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं को उनका सामना करना पड़ रहा है। 22 बागी नहीं हुए, केवल 2-3 प्रत्याशी ऐसे हैं उनको टिकट नहीं मिला, उनके मन में नाराजगी है, और समय चूंकि कम मिला, अगर समय मिल जाता तो उन्हें बैठाने में कामयाब होते, इतना समय मिल नहीं पाया इसलिए उनसे वार्ता नहीं कर पाए, प्रयास चला। मैं स्वयं 35 वार्डों में लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिल के आया हूँ, जिनको टिकट मिले उनका उत्साहवर्धन करके आया हूँ, जिनको नहीं मिले उन्हें भी समझा के आया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 3-4 दिन में कुछ हम प्रत्याशी को घर बैठा लेंगे, अपने साथ ले लेंगे। अच्छा, भाजपा का किससे फाइट रहने वाली है मुरादाबाद? मैं समझता हूँ फाइट यहाँ पर समाजवादी पार्टी से ही होगी, बाकी कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी से फाइट होगी।
तो ये थे हमारे साथ में गिरीश वर्मा जी, जिन्होंने सीधे सवालों के जवाब दिए हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की पर भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं वो कितना भरोसा जताते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, पब्लिक टीवी मुरादाबाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।